नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज़। फसल खराबे के मुआवजे की मांग हुई तेज। किसानों ने तहसीलदार एवं एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रबी फसल खराबा समत 2079 के बिरई सहित 6 पटवार मंडल किसानों को करोड़ों रुपए अटके। बिरई के किसानों ने फसल खराबी को लेकर बावड़ी तहसीलदार रुगाराम शैन एवं बावड़ी उपखंड अधिकारी के रीडर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। किसानों ने बताया कि रबी फसल संवत 2079 में फसल खराबी का मुआवजा बिरई के किसी किसान को नहीं मिला है, जिसे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। और वहीं बावड़ी के अन्य ग्राम पंचायत मुआवजा की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित हो गई है। मुआवजा बिरई गाँव रे एक आज भी किसान को नहीं मिला है और सारे किसान परेशान हो रहे हैं और आगती पागती गाँव में कई गाँव में आ गया है। बिरे गाँव के अंदर एक भी मुआवजा की राशि नहीं मिली है और पटवारी कई बार लिस्टें बना चुके हैं, कई बार बोलते गलत हो गया है, कई बार बोलते सही हो गया है और अभी तक किसान के किसी खाते में पैसे नहीं आया है। मेन प्रॉब्लम ये है और किसान परेशान हो रहे हैं। फसल उगाते हैं और ख़राब हो जाती है, कभी बोलते मुआवजा देंगे, कभी बोलते नहीं देंगे, अभी तक किसी को नहीं आया। तहसीलदार जी ने क्या बताया? तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, अभी एसडीएम साहब से बात करेंगे, उनका क्या है, उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हो रही है वो हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर। फसल किसानों की 2 साल से पूरी खराब हुई है अकाल की वजह से। उनका मुआवजा अभी तक किसानों के खाता में बिरई गाँव वालों के किसी के नहीं आया है, बाकी दूसरे गाँव वालों के किसानों के आ गया। इसलिए हम कार्यालय में पेश हुए, पूरे ग्रामीण एकत्र होके एसडीएम कार्यालय में आगे उचित मुआवजा की कार्रवाई करावे आगे। भाई प्रेम जी, पहले तो आपको नमस्कार। आज कुछ किसान हमारे पास आए हैं, उन किसानों की समस्या ये है कि रबी संबत 2079 में जो इनपुट सब्सिडी थी वो कुछ एक पटवार मंडलों के सभी गांवों की नहीं मिली। इसके लिए यह है कि 6 पटवार मंडल ऐसे हैं जिनकी इनपुट सब्सिडी रबी 2079 अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। पोर्टल पर पूरे हमने फीड कर रखे हैं, हमारी स्तर से, तहसीलदार स्तर से और कलेक्टर स्तर से जो काम हो रहा है वो हो चुका है। राज्य स्तर से स्वीकृति पेंडिंग है तो बाकी गाँवों की आ गई तो इन गाँवों की भी जल्दी आ जाएगी।